અને વાત કરીશું રસીકરણની। तो रसीकरण महाअभियान प्रारंभ है। मुख्यमंत्री सेक्टर 8 रसीकरण केन्द्र थी आरंभ कराया। रसीकरण ने व्यापक बनावा माटे राज्यव्यापी महाअभियान 18-44 वर्ष वयना लोकोने पण हवेथी वॉक इन वेक्सिन। राज्य में 1025 स्थलों वेक्सिन उत्सव, तो अलग अलग जगह मंत्री हाजरी आपशे। आ महाअभियान अंतर्गत गुजरात कोई गुजराती बाकी न रहे अने वेक्सिनेशन संपूर्ण आपणे पूरू करशू। तो अत्यारे जे रीते सेकंड वेवना केस घटी गया छे, गई काले 185 केस मात्र आव्या था, जे आटला वक्तमां सौथी लोएस्ट छे, हजी घटतुं जाय छे, तो आपणे कोरोना मुक्त बनवुं छे। प्रधानमंत्रीनो पण आ तके खूब खूब आभार ने धन्यवाद हूँ कहूँ छू, कारण के मफत वेक्सिन समग्र देशभर में इमने आपा छे। આગળ વધીએ તો કોરોના સામે વેક્સિન જ એક શસ્ત્ર છે। 33 જિલ્લા અને 8 મહાનગરપાલિકા વિસ્તારમાં 1025 રસીકરણ કેન્દ્રો, રાજ્યમાં 5000 બૂથ પર વેક્સિનેશન, અને હવેથી દરેક વ્યક્તિ વોક ઇન વેક્સિન લઈ શકશે। 20 જૂન સુધીમાં 2.20 કરોડ વેક્સિનના ડોઝ અપાયા છે। ફ્રન્ટલાઇન વોરિયર્સ 44થી વધુ વયના લોકોના વેક્સિનેશનમાં ગુજરાત અન્ય રાજ્યો કરતાં અગ્રેસર છે। 45 વર્ષથી વધુ વયના નાગરિકોને વેક્સિનેશનના જે ડોઝ અપાયા છે, तो हेल्थकेर वर्कर्स और फ्रंटलाइन वॉरियर्स ने पण वैक्सीन का डोज अपाया छे। मुख्यमंत्री रूपाणी नुं मोटुं निवेदन छे, तो गुजरात सरकार में मंत्रिमंडल नुं विस्तरण नहीं थाय, विस्तरण नी वात मात्र हवामां ज तेम कह्युं। तो मुख्यमंत्री रूपाणी नुं मोटुं निवेदन छे के मंत्रिमंडल विस्तरण की बात हवामां छे। जो कि आ पहला अठवाडिया पहला ज प्रभारी आव्या हता, 2 दिवस तेओ रोकाया हता, मीटिंगोनो दौर सतत चाल्यो हतो, ने एवी वात पण सामे आवी हती के मंत्रिमंडळनुं विस्तरण थशे, नवा चेहराओने स्थान अपाशे, जे काम नहीं कर्युं होय तेवा चेहराओने जयकारो पण आपवामां आवशे। आ प्रकारनी वात पण सामे आवी हती, जो कि हवे आ वातने हवामां बतावी रह्या छे सीए। કોઈક વાત છે જ નહીં, આ બધી વાત માત્ર હવામાં છે, કોઈ વિસ્તરણની વાત નથી, કોઈ બોર્ડ નિગમની વાત નથી। અને વાત કરીશું ચોમાસાની।